दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी निकली हुई है बिहार सरकार में, जो कि सक्षम है स्टेट सोसाइटी ऑफ अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर SSUPSW एक गवर्नमेंट जॉब है, जो कि 600-700 के अराउंड वैकेंसी निकली हुई है। तो आप आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे आपको इसमें क्या वैकेंसी है। तो उससे पहले, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करें और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोजीशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सैलरी है और लास्ट डेट कब है एग्जामिनेशन का अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सक्षम जो एक बिहार सरकार का एक गवर्नमेंट जॉब है, जो स्टेट सोसाइटी ऑफ अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर, इसका शॉर्ट फॉर्म SSUPSW, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सेकंड फ्लोर अपना घर बिहाइंड ललित भवन बेली रोड पटना। तो जो ये वैकेंसी निकली हुई है वो अलग अलग पोस्ट का है, हर एक पोस्ट का अलग अलग सैलरी है और नंबर ऑफ पोजीशन है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है सेंट्रल मैनेजर, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क इन डिसेबिलिटी स्टडी सोशल वर्क मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशोलॉजी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टडीज SSW एंड और PGW 2 years इन मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसको इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें, जो कि नंबर ऑफ पोजिशन है वो है 63 और जो पे है वो 37,000 से 50,000 के बीच में आपको मंथली पे आउट मिलेगा यदि आप इसमें सिलेक्शन होते हैं बिहार सरकार में। तो उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम जो दिया हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आप यदि सिलेक्टेड होते हैं तो आपको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, किस टाइप का वर्क आपको करना पड़ेगा। तो ये वर्क है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेट एंड डिले डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिल्डिंग। जैसा कि आप जी सेंट्रल मैनेजर पोस्ट है तो आपको ये मैनेजमेंट का पोजीशन है, तो आपको हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अगला पोजीशन है वो है एडमिन कम अकाउंट, जो कि ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 1 year रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंट एंड वेल वर्क विद द टेली। सो यदि आपको आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं कॉमर्स से और आपको टेली का 1 साल का एक्सपीरियंस है और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, उसके साथ ही आपको यदि MS ऑफिस आना बहुत ही मैंडेटरी है, तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है वो 63 है और जो इसका आपको ड्यूटी है जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो है सपोर्ट सेंट्रल मैनेजमेंट मैनेजर एंड डिस्ट्रिक्ट अकाउंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट फॉर द सेंटर। उसके बाद है ये किस मैनेजर है, जो कि ये पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस रिहैबिलिटेशन। तो ये पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो पे स्केल है वो 30,000 से 40,000 है और जो उसका टाइप ऑफ ड्यूटी रहेगा वो असेसमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल केस कमिंग टू सेंट्रल एज वेल एज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द इंडिविजुअल केयर प्लान। तो आपको ये ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ है वो है सीनियर साइकोथेरेपिस्ट, जो कि पे स्केल है 31,000 से 40,000, जो कि एक अच्छा पे ग्रेड है। उसके बाद है साइकोथेरेपिस्ट, जिसका पे स्केल है 25,000 से 32,500 तक। उसके बाद है मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, जो बैचलर इन मोबिलिटी साइंस और बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन बैचलर इन साइकोथेरेपी। तो ये कंप्लीट आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ें,
उसके बाद अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो सेवंथ है ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जो कि बैचलर इन डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जो अभी आप इसमें किए हुए हैं तो आपको पे स्केल होगा वो 25,000 से 32,500 के बीच में होगा। उसके बाद एक है काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि मास्टर इन साइकोलॉजिस्ट विद रेगुलर वन ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो पे स्केल है वो 21,000 से लेके 28,000 है। तो यदि आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसको उसको अप्लाई करें। उसके बाद है टेक्नीशियन, जो कि ऑप्थोमोलॉजी है, जो बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेलिक टेक्निक ऑप्टोमेट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑप्टोमोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसका पे स्केल है वो 20,000 से लेके 26,000 के बीच आपको पे आउट होगा। उसके बाद टेंथ जो पोजीशन है वो टेक्नीशियन है स्पीच एंड हेयरिंग, जिसको आपको यदि आपका डिप्लोमा इन हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच में किए हुए हैं तो इसको अप्लाई करें, और इसका पे स्केल है 20,000 से 26,000। और 11th नंबर है वो है टेक्नीशियन जो प्रोस्थोटिक एंड ऑर्थोटिक है, जो कि पे स्केल है 20,000 से लेके 26,000। उसके बाद है पैरामेडिक सेंट्रल एंड रिस्पॉन्स वैन, जो डिप्लोमा इन रिहेबिलेशन थेरेपी और डिप्लोमा इन थेरेपी डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन बेस्ड रिहेबिलेशन। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि आप ये कंप्लीट डिग्री और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करें। उसके बाद है कार्ड केयर गिवर, जो केयर गिवर जो पोस्ट है वो डिप्लोमा इन थेरेपी डिप्लोमा इन रिहेबिलेशन, जिसका पे आउट है 18,000 से 24,000 तक। उसके बाद है कुक कम हेल्पर, जो कि एट क्लास पास इक्वेलेंट विथ 2 years एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग एंड मेंटेनिंग किचन, जिसका पे स्केल है 62, जो इसका पेमेंट मंथली होगा वो 6,000 से लेके 8,000 के बीच होगा। लास्ट है ड्राइवर, जो कि ड्राइवर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैट्रिक पास और इक्वेलेंट विद ए वैलिड कॉमर्स हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस विद ड्राइविंग, नॉलेज ऑफ दी ऑपरेटिंग ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट वुड बी एडेड एडवांटेज। तो ये सब आपको आता है तो एडेड एडवांटेज होगा, जिसका पी एच स्केल है 12,000 से लेके 16,000 तक है, एंड ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दी मोबिलिटी थेरेपी। तो ये बेसिक अलग अलग पोस्ट है जो इस वैकेंसी में निकला हुआ है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसा कि क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक पोस्ट, जो भी पोस्ट सिलेक्ट करते हैं आप, जैसे सेंट्रल मैनेजर सेलेक्ट करते हैं, सेंट्रल मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए, और उसके बाद आप जितना भी फॉर्म डिटेल है वो सारे फ़ोटो फर्स्ट नेम सारी डिटेल भर के कंटिन्यू करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल देना पड़ेगा, फिर वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 10th of December है, तो 10 दिसंबर से पहले आप इसको ज़रूर अप्लाई करें ताकि आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब पा लें। तो इस वीडियो में इतना ही बस, और कुछ अच्छे ही नई अपॉर्चुनिटी के साथ हम ज़रूर फिर हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल बटन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।